साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। सीएम मनोहर लाल खट्टर का ऐलान, अब हरियाणा में भगवान परशुराम जयंती पर होगा सार्वजनिक अवकाश। यात्रियों की शिकायत पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 का किया औचक दौरा। मोहन भागवत का बड़ा बयान, भारत के हर एक गांव में संघ की शाखा होनी चाहिए। पीएम ने किया गोवा के दूसरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन, 35 डोमेस्टिक और 18 इंटरनेशनल लोकेशंस की होगी कनेक्टिविटी। कश्मीरी हस्तशिल्प कारीगरों को 2 शिल्प गुरु, 6 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, वैश्विक उद्योग जगत के लिए शानदार मंच होगा यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बोले, अपना पराया ना देखें, जिताऊ प्रत्याशियों के नाम सुझाएं स्क्रीनिंग कमेटियां। मायावती बोली, आजम खान की सीट पर जानबूझकर कम करवाई गई वोटिंग। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया बोले, 2023 में 1 लाख होगी MBBS की सीटें। यूपी में 2 दिन बाद और बढ़ेगी सर्दी, 3 डिग्री तक गिरेगा तापमान, सड़कों पर छाने लगा कोहरा। भारत को फिर मिला रूस का साथ, UNSC में स्थायी सदस्यता का किया समर्थन। इजरायली सैनिकों की गोलीबारी में फलस्तीन के एक किशोर की मौत, जांच में जुटे अधिकारी। मस्क नीलाम करेंगे ट्विटर हेडक्वार्टर की, 265 एक्स 17 जनवरी को ऑनलाइन शुरू होगी नीलामी, ज्यादातर के दाम $25 या $50। नासा का मून मिशन हुआ पूरा, 14 लाख मील की यात्रा कर लौटा स्पेस क्राफ्ट, पैराशूट के सहारे प्रशांत महासागर में गिरा। पाक फौज अफगान तालिबान में झड़प, 6 लोगों की मौत और 17 घायल, दोनों देशों की सीमा पर भारी तनाव। इंडियन वीमेंस टीम की रोमांचक जीत, सुपर ओवर में ऑस्ट्रेलिया को हराया, सीरीज 1 में से बराबरी। स्टोक्स बने टेस्ट क्रिकेट के सिक्सर किंग, बेंडन मैकुलम की बराबरी की। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को लेकर विराट कोहली ने किया भावुक पोस्ट, बताया ऑल टाइम ग्रेट। संजू सैमसन को मिला दूसरे देश में खेलने का ऑफर, भारतीय खिलाड़ी ने बताया अपना प्लान। स्मृति मंथाना ने रचा इतिहास, कैप्टन कौर के बाद बड़ा कारनामा करने वाली बनी दूसरी भारतीय खिलाड़ी। सिद्धार्थ शुक्ला के बर्थडे पर इमोशनल हुई शहनाज गिल, अनसीन फोटोज शेयर कर लिखा, मैं तुमसे फिर मिलूंगी। बालवीर एक्टर देव जोशी करेंगे चांद की सैर, 3 लाख लोगों में चुना गया नाम, क्रू मेंबर के तौर पर करेंगे यात्रा। टीवी एक्ट्रेस सोनारिका भदौरिया ने बॉयफ्रेंड विकास संघ की सगाई शेयर की सेरेमनी की तस्वीरें, 7 साल से कर रहे थे डेट।
तलाक की खबरों के बीच साथ आए सानिया मिर्जा और शुएब मलिक, अलग अंदाज में नजर आया कपल। जारी हुआ पठान का बेशरम रंग सॉन्ग, छाया दीपिका पादुकोण का मोनोक्निक अवतार। पांच मिनट की 25 बड़ी खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख